ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। तब ईडी बताएगी कि अब तक की जांच में क्या प्रगति हुई है और आगे क्या करना है। अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। तो शराब नीति केस में 28 मार्च तक रिमांड पर है अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 मार्च की दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और रिमांड के समय पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। रोज आधे घंटे केजरीवाल वकीलों से भी मुलाकात कर पाएंगे और ये भी कहा गया है कि उनको उनकी दवाइयां समय पर मुहैया करवाई जाए और अगर उनकी सेहत ज्यादा खराब होती है तो उनको घर से खाना भी दिया जा सकता है। तो इससे पहले शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड के समय अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे तक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी है। केजरीवाल रोज शाम को 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से भी मुलाकात कर पाएंगे। उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है, 10 दिन की मांग रहे थे पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। देखिए उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान है जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। तो ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे और अरविंद केजरीवाल को अब ईडी की कस्टडी में रहना होगा। 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है और इस बीच वो अपनी पत्नी से आधे घंटे मुलाकात कर पाएंगे, वकीलों से भी वो मुलाकात कर पाएंगे और ऐसे में अब 21 फरवरी को जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो 6 दिन की ईडी को रिमांड मिली है, 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी और बुरी तरीके से फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल क्योंकि ईडी ने उनको शराब घोटाले में किंगपिन बताया है। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आनंद है और मानव है। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूँ, लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आनंद, ये बताइए कि 6 दिन की कस्टडी तो ईडी को मिली है, अरविंद केजरीवाल के पास अब आगे क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए अभी कोई कानूनी विकल्प अरविंद केजरीवाल या उनके वकीलों के पास नहीं है क्योंकि कल जिस तरह से लगातार जो एएसजी हैं राजू उन्होंने जो दलीलें रखी और जो खुलासे किए कोर्ट में उसके बाद ही जो है कोर्ट ने जो है वो आगे रिमांड जो है अरविंद केजरीवाल की ईडी को सौंपी है। इस रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल से जो बाकी आरोपी हैं उनका आमना सामना कराया जाएगा और बहुत हद तक संभावना है कि के कविता से सबसे पहले उनका आमना सामना कराया जाए। और कल कोर्ट में जसप्रीत सबसे बड़ी बात जो है वो ईडी की तरफ से कही गई कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है और इस कंपनी में से जुड़े तमाम लोग इस अपराध में शामिल हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को किंगपिन पूरा मास्टरमाइंड जो है शराब घोटाले का बताया गया है और पहले भी ईडी की जो तमाम चार्जशीट है या सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि किस तरह से जो नई शराब नीति बनी है उसमें जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसे कैसे बढ़ाया गया या किस तरह से नई आबकारी नीति लागू की गई या उसे बनाई गई इसकी तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल आरोपियों से मिले, उनसे फेस टाइम पे बात की और साउथ लॉबी को लेकर कल कई जानकारियां जो है ईडी ने कोर्ट को दी है कि किस तरह से साउथ लॉबी से जो किकबैक है रिश्वत का पैसा है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, 45 करोड़ रुपए जो है गोवा इलेक्शन में खर्च हुए, एक उम्मीदवार ने गोवा के बकायदा ईडी को बयान दिया कि कैश में उसे पैसा मिला, हवाला के जरिए जो है वो पैसा जो है गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया आम आदमी पार्टी के लोगों के जरिए। बिल्कुल आनंद, तो साउथ कनेक्शन जो सामने आया है और किंगपिन अरविंद केजरीवाल को बताया गया है, मुश्किलें बढ़ गई है। मानव, आप दफ्तर में मौजूद है, आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, आज कौन कौन लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, आज आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है, विस्तार से आप बताइए। देखिए आंदोलन से निकली हुई पार्टी बताया जाता है और अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के मूड में पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। आज यानी 23 तारीख को शहीदी पार्क आईटीयू के पास एक धरना प्रदर्शन यहां पर रखा गया है और उसको ओपन रखा गया है। ओपन के मायने ये है कि आम आदमी पार्टी के अलावा इंडी ब्लॉक या इंडिया गठबंधन
के नेता भी यहाँ पर उसमें शरीक हो पाएंगे। इसके अलावा कल 24 तारीख को प्रधानमंत्री का पुतला दहन देश भर में चलाने का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का है। इसके बाद 25 को होली है, होली वाले दिन कोई प्रदर्शन कार्यक्रम नहीं है, लेकिन लोगों के पास जा जाकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध जताने की कोशिश करेंगे। तो यानी एक लंबा आंदोलन चलाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की राहत के लिए बात करें तो आपको याद होगा कि कल जब राउत एवेन्यू कोर्ट में जब मामला लगा था तो ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लेके अरविंद केजरीवाल के वकील पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि दोनों मामले दोनों ही कोर्ट की सुनवाई आपस में क्लैश हो रही थी, इसलिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अर्जी को वापस लिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगले सोमवार तक के लिए बंद है, ऐसे में तकरीबन अगले एक हफ्ते तक तो शायद कोई भी राहत कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो राहत नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, आप दोनों हमारे साथ रहिए। दरअसल 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को, 22 मार्च को कोर्ट ने 28 उनको कस्टडी पर भेजा है, 28 तारीख तक हिरासत में भेजा है, उसके बाद उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। तब ईडी बताएगी कि अब तक की जांच में क्या प्रगति हुई है, आगे क्या करना है ये ईडी बताएगी। अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी, पूछताछ की फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 41D के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 से 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई है। ईडी रिमांड के समय अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे तक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई है। केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वो डॉक्टरों की सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया करवाए, ऐसा नहीं करवा पाने की हालत में उनको घर का खाना खाने की इजाजत होगी। तो केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट का क्या आदेश रहा है ये हमने आपको विस्तार से बताया है। उधर केजरीवाल से जब दिल्ली सरकार चलाने के मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सुनिए जरा। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जैसा कि हमने आपसे पहले पूछा था, कोई ऑप्शन नहीं है अब उनके पास, कानूनी विकल्प नहीं बचता है अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन टेक्निकलिटीज पे अगर हम जाएं तो समन्स को नजरअंदाज नहीं करते तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, कल बिल्कुल जो एएसजी राजू हैं उन्होंने कोर्ट को ये बात बताई कि जितने भी सम्मन ईडी ने दिए उन सबकी अवहेलना जो है जानबूझ के अरविंद केजरीवाल ने नहीं की है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जसप्रीत, जब मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करने के लिए ईडी पहुंची थी तो बताया था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम 338 करोड़ रुपए का है, जो मनी ट्रेल की जो जानकारी ईडी को मिली है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था। कल ये तमाम चीजों का भी हवाला जो है कोर्ट में दिया गया कि किस तरह से मनीष सिसोदिया भी इस पूरे नेक्सस में शामिल थे, संजय सिंह के रोल के बारे में बताया गया, साउथ लॉबी का इसलिए रोल था क्योंकि एक रेड्डी परिवार जो है, एक पॉलिटिकल परिवार जो है, उनके लोगों के बयान जो है वो ईडी के सामने आए, उसने अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बनाई, राघव माटुंगा के बयान सामने आए, उसने अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बनाई, इसके अलावा अमित अरोड़ा या इसके अलावा जो इसमें समीर महेंद्रू हैं, इन तमाम लोगों के जो बयान थे और ईडी की पूछताछ थी उसमें धीरे धीरे खुलासे होते गए कि किस तरह से आबकारी नीति बनाने में साउथ लॉबी को वहां के जो बिजनेसमैन है उन्हें फायदा पहुंचाया गया है। आप ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, आप ये बताइए कि दूसरी रात अरविंद केजरीवाल की कैसे कटी, क्या उन्होंने खाना खाया, क्या उनके हाव भाव रहे, कुछ अंदर खाने से जानकारी आपको मिल रही है? आनंद, देखिए जसप्रीत, मैं बिल्कुल तस्वीरों के साथ एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। ये विद्युत भवन है एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर, ये ईडी का नया हेडक्वार्टर है, यहाँ पर पूरे इस पूरे ईडी हेडक्वार्टर में सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है और दो लॉकअप है, उसमें लॉकअप नंबर एक जो है उसमें अरविंद केजरीवाल को रखा गया था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जब 11:15 के आसपास उन्हें यहां लाया गया था और कल पूरे दिन यहां पर अरविंद केजरीवाल रहे, दोपहर के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। थोड़े बेचैन जरूर थे लेकिन यहां पर ईडी की जो पूरा ईडी के जो कानून व्यवस्था होती है कि नाश्ता या खाने के लिए जो आरोपी आता है उसे यहां पर पूरी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो तमाम सुविधाएं अरविंद केजरीवाल को भी यहां पर दी गई। और जिस तरह से कोर्ट ने आदेश किया है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अगर उन्हें घर की डाइट की जरूरत है तो उन्हें वो भी मुहैया कराया जाए, परिवार से मिलने की इजाजत उन्हें दी गई है, उनके वकीलों से मिलने की इजाजत उन्हें दी गई है। हमने देखा कि जिस रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके लाया गया था एक कंबल उनके घर से आया था उनके लिए और वो ईडी ने यहां पर आने की इजाजत दी थी। तो जो भी एक लीगल कानून होता है या प्रक्रिया होती है आरोपी के लिए, जो उनके राइट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल जरूर कस्टडी के दौरान कर सकते हैं।
ठीक है आनंद और मानव दोनों आप हमारे साथ रहिए, वापस आपके पास हम लौटेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे आपके नेता और विधायक शहीदी पार्क जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों से इसमें शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने 25 मार्च को होली का कार्यक्रम स्थगित कर लोगों से मिलने का प्लान बनाया है। 26 मार्च को आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। तो सड़कों पर आम आदमी पार्टी है और ये आप देखिए तस्वीरें, आज का जो उनका कार्यक्रम है सुबह 10 बजे से विरोध होगा यहाँ पर, और इंडिया गठबंधन की पार्टियों से भी शामिल होने की अपील आम आदमी पार्टी ने की है। हमने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की है, हमने निर्णय लिया है कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट जाएगा। इस लड़ाई को हम एक एक कदम करके पूरे देश में लड़ेंगे। मानव दो सवाल हैं आपसे कि भगवंत मान एक तो कहां पर है, क्या वो विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे? दूसरा ये कि इंडिया गठबंधन की कौन कौन सी पार्टियां इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी? देखिए जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो तमाम कांग्रेसी नेता, चाहे वो दिल्ली कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली हों, पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हों संदीप दीक्षित, ये सभी लोग समर्थन में अरविंद केजरीवाल के घर के पास पहुंचे थे। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है, आशंका है कि आज भी दिल्ली कांग्रेस के साथ साथ बाकी दूसरे दल हैं उनके नेता भी प्रदर्शन में शामिल हों। भगवंत मान दिल्ली में ही हैं और आज वो प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी के संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक, गोपाल राय, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो जिन तक अभी जांच की आँच नहीं पहुँची है वो सभी लोग आज शहीदी पार्क इकट्ठा होंगे और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर आपकी दिल्ली नेशनल बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए सभी लोग निकलेंगे। बड़ी बात यह है, देखना होगा कि इसमें बाकी जो इंडी गठबंधन है उसके कितने दल कितने नेता इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मौका जरूर बीजेपी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका इन सभी नेताओं को जरूर मिला है। ऐसे में कितना बुना पाते हैं ये भी देखने लायक होगा। जैसे बिल्कुल मानव, जमीन पर कितने नेता उतरते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो इन्होंने निंदा की है, आप रहिए हमारे साथ। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। इस पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आप पर पलटवार किया और दावा यह किया कि शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया। जो भी कानूनी हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं उनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, चाहे ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं, उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। 17 करोड़ से ज्यादा पैसा और 16 मौकों पर जून 21 से दिसंबर 21 के बीच 27 करोड़ रुपया का आदान प्रदान हुआ, ताकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के अपने इस पैसे से गोवा के विधानसभा में अपनी राजनीतिक पहचान बना सके। ये पब्लिक नॉलेज है इन दस्तावेजों के माध्यम से। 4 रूट से गोवा पैसा भेजा गया, एक बार 12 करोड़, एक बार 7.1 करोड़, एक बार 16 करोड़, एक बार 7.2 करोड़, एक बार 2 करोड़। पैसा 4 रूट से ट्रांसफर हुआ, इसका खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। दिल्ली शराब घोटाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर, उन्होंने कोर्ट में आरोपियों की पेशी के समय सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे दिल्ली पुलिस के एसीपी एके सिंह के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को हटाने या उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी देने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि वो पेशी के समय बेवजह लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इससे पहले मनीष सिसोदिया की पेशी के समय भी वो ऐसा कर चुके हैं। अब
आपको ये बताते हैं कि कोर्ट रूम में ईडी के वकील ने क्या आरोप लगाए और केजरीवाल के वकील ने किस तरह ईडी की रिमांड का विरोध किया है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर किंगपिन ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को बताया गया है, इसके साथ ही गंभीर आरोप है किस तरीके से साउथ कनेक्शन सामने आता है। ये ईडी के सवालों से अब केजरीवाल का आमना सामना होना है और के कविता के साथ बिठाकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी और सवाल जवाब यहां पर होंगे। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में है केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, चाहे अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश के लिए समर्पित है, जनता सब जानती है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आनंद तिवारी हैं और हमारे साथ मानव है। मानव, हमने सुनीता केजरीवाल का ट्वीट भी सुना और वो उनसे जब कल भी सवाल पूछा गया कि क्या वो जेल के अंदर से ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे, जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के अंदर पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तब उनसे मीडिया ने पूछा था कि क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है, मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं मैं अपना काम करता रहूंगा। और इसी लाइन पर एक ट्वीट उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी कल शाम को किया था, जिसमें वो कह रही है कि जनता के चुने हुए व्यक्ति को जेल में डाला जा रहा है और उनका जीवन देश को समर्पित है। यानी दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी लोगों की एक तरीके से अपने और उसको गेन करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की लगातार है ही, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चोट पार्टी को भी लगी है, परिवार को तो लगी ही है, क्योंकि परिवार का एक सदस्य अगर कस्टडी में रहेगा तो तमाम भावुक जो चीज़ें होती हैं वो हमारी जो भावुकता होती है वो निकल के बाहर आती है। तो इसके साथ साथ एक बड़ी बात मैं भी बता दूं, आतिशी ने अभी एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मनी ट्रेल को लेकर 10 बजे आम आदमी पार्टी एक बड़ा खुलासा करेगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी करने जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जसप्रीत की, आम आदमी पार्टी ये खुलासे की बात कर रही है। हालांकि जो संभावना है वो इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि ईडी मामले में मनी ट्रेल का जिक्र होता है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास 45 करोड़ रुपए पहुंचे, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा। तो संभवतः आम आदमी पार्टी इसमें ये बताने की कोशिश कर सकती है कि जो लोग सरकारी गवाह बने हैं इस मामले में उनके जरिए उनकी कंपनियों द्वारा किस तरीके से पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड की रूप में पार्टियों तक पहुंचाया गया। तो इन आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी एक नया मोर्चा खोल सकती है जसप्रीत। बिल्कुल, तो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। हमारे साथ आनंद भी मौजूद है। आनंद, एक बार फिर से वही सवाल टेक्निकलिटीज का, अब आप ये बताइए क्योंकि पूरा देश यही जानना चाहता है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या कानूनी विकल्प है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है, उनके लिए बाहर आ पाना कितना मुश्किल है या फिर नामुमकिन नजर आता है? देखिए, नामुमकिन तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कानून में नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उनके पास अभी कानूनी विकल्प हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फिर से रुख कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अरविंद जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था ईडी ने, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप एक बार याचिका लगा देते हैं और उसे खारिज कर दिया जाता है तो फिर आप 1 महीने तक फिर से अपील नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया जो है उन्हें राहत नहीं मिली है और वो जेल के अंदर ही बंद हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड 28 तारीख तक की है, उसके बाद जब ईडी उन्हें फिर से कोर्ट में पेश करेगी तो वो क्या ग्राउंड रखती है कि इस पूछताछ के दौरान क्या क्या चीज़ें खुल के सामने आई हैं, क्या क्या और खुलासे हुए हैं, क्या मनी ट्रेल की जानकारी ईडी के हाथ लगी, और उस पर वो फर्दर आगे जो है वो ग्राउंड बनाएगी कि किस ग्राउंड पे आगे और जो है वो मनीष सिसोदिया की जो माफ करिए अरविंद केजरीवाल की कस्टडी लेना है। लेकिन जसप्रीत, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज जो केक कविता है उनकी रिमांड खत्म हो रही है ईडी की और आज उन्हें दोपहर तक जो है वो राउजेमिनी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आज क्या कुछ खुलासे करेगी ईडी की, केक कविता ने पूछताछ में क्या कुछ बताया इसी ईडी हेडक्वार्टर के एक लॉकअप में जो है वो केक कविता भी अंदर है और उनसे भी कल लंबी पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारियों ने की है। तो फर्दर केक कविता की भी आगे रिमांड की ईडी मांग कर सकती है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल से उनका आमना सामना कराना है और देखना होगा कि केक कविता ने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ बयान जो है वो अब ईडी के सामने दिए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होंगे और जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आनंद महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि ईडी खुलासा करेगी और इसमें के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठा करके पूछताछ होगी, ये बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट जो मानव ने दिया कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी
और मनी ट्रेल को लेकर के आम आदमी पार्टी बड़े खुलासे करने वाली है। इस पर न्यूज 18 इंडिया की नजर रहने वाली है। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 21 मार्च से केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में कानून का राज है, इसीलिए अपराधी किसी पद पर भी हो वो बच नहीं सकता है। दिल्ली और देश तो छोड़िए, दुनिया के कोने कोने में लोग इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, और इस तरीके की आवाज जब उठती है तो क्रांतियां आती हैं, सरकारों के तख्त जो है पलटे जाते हैं। और आप देखिए केंद्र सरकार की उल्टी गिनती, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि इस केंद्र सरकार की उल्टी गिनती 21 मार्च 2024 से शुरू हुई। दिल्ली के मालिक को ये अहंकार था कि मैं कानून से ऊपर हूँ, इसलिए कल वो कोर्ट में सौदेबाजी कर रहे थे कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे 2 महीने की मोहलत दी जाए। लेकिन मैंने कहा इस देश में कानून का शासन है, कानून अपना काम कर रहा है और हर आरोपी हर अपराधी के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है, ये आज साबित हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि शीघ्र ही अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले का, शराब नीति घोटाले का सारे पर्दे खुलेंगे, सच सबके सामने आएगा, इसकी हमें उम्मीद है।